अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मेन यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम दाखिल हो गए राउंड टू में। राउंड टू का क्या मतलब है? राउंड टू का मतलब ये है कि जिन लोगों की हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी फॉर्मेशन की थी, उन लोगों के आने का यहाँ पे सिलसिला शुरू हो गया और अब उन्होंने अपने बताके वगैरह बना के अपने बैंक अकाउंट वगैरह स्टार्ट करके अब उन्होंने अपने बिजनेसेस को ऑपरेशनली जो है वो लॉन्च करने की तैयारियां कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो पहले तो मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं जो नए मेरे देखने वाले हैं कि अगर आप सल्तनत ऑफ ओमान में 100% ओनरशिप के साथ अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, जी हाँ 100% ओनरशिप के साथ, कोई भी आपका कफील नहीं होगा, सरकार सिर्फ आपकी जो है वो कफील होगी और आप डायरेक्टली सरकार के साथ बिजनेस करेंगे, आपके ऊपर कोई भी ओमानी अरबाब नहीं होगा, 100% आप मालिक होंगे। जी हाँ, रॉयल डेक्रेट जो सुल्तान हिज मैजेस्टी सुल्तान हैदर बिन तारिक की तरफ से इशू किया गया था, उसके अंदर तमाम एक्सपर्ट जो है जो अपनी सल्तनत ऑफ ओमान में कंपनी बनाना चाहते हैं उनको ये सहूलत ओमान की जानिब से प्रोवाइड कर दी गई है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल, आपने सिर्फ अपने पासपोर्ट की कॉपी देनी है, अपना ईमेल एड्रेस देना और जो काम भी आप करना चाहते हैं, सपोज रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, कैफे खोलना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, गैरेज खोलना चाहते हैं, यहां पर हैवी इक्विपमेंट का कोई काम करना चाहते हैं या व्हाटएवर यू वांट टू डू, आपको सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी चाहिए आपकी और आपकी एक्टिविटीज जो आपने करनी है और आपका ईमेल एड्रेस चाहिए। एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपकी सोल प्रोप्राइटर कंपनी है, वन ओनर वाली, आपकी आ जाएगी। और अगर आपकी LLC है, दो पार्टनर की, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स वाली, तो उसमें तकरीबन 15 दिन का टाइम लगता है, हफ्ते से मतलब 15 से 20 दिन का टाइम लग रहा है। आजकल थोड़ा सा लेट हो रहा है मामला क्योंकि रश बहुत ज्यादा है, ईद की छुट्टियां थी, उसके बाद से थोड़ा ये मामला आगे पीछे हो गया, लेकिन नॉर्मली ये 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आ जाती थी। तो वो आपकी कंपनी बन के आएगी, कंपनी बनने के बाद आपका वीजा का प्रोसेस स्टार्ट होगा, 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आपका वीजे का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटली अगर आप SPC बनाते हैं तो टोटल 15 दिन का प्रोसेस है, 15 से 20 दिन का प्रोसेस है वीजा प्लस कंपनी, और अगर आप LLC बनाते हैं तो एक महीने का प्रोसीजर पकड़ के चले आजकल, क्योंकि थोड़ा बहुत डिले हो रहा है उसकी वजह से। तो भाई इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा, अकाउंट के मालिक आप खुद होगे, कंपनी के मालिक आप खुद होगे, जो भी आप काम करोगे 100% आप खुद मालिक होगे उसके, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे आप फायदा उठाएं। अच्छा, आप बात करते हैं जो स्टेज टू पे लोग पहुंचे, भाई जैसा कि मैंने आपको आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले बताया था कि अपनी कंपनी बनाओ, जिन लोगों ने उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बनवाई वो आज अल्हम्दुलिल्लाह सल्तनत ओमान में पहुंचे हुए हैं और अब वो अपनी जगहें, अपनी जो दुकानें हैं, जिसने किसी ने रेस्टोरेंट खोलना है, किसी ने कैफे खोलना है, किसी ने जो है वो गाड़ियों का काम करना है, गाड़ियों की तरतीब कर रहा है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरतीब कर रहा है, वो लोग अपने बिजनेसेस को ऑपरेशनल कर रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे हैं। देखो, हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि बस कंपनी बना के आप जानो आपका काम जाने, हम प्रॉपर गाइडेंस देते हैं अपने तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जो जो हमसे सवाल पूछते हैं हम उनको बताते हैं सही गलत, अच्छा बुरा, क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह से करना है, किस तरह से आपके पैसे बचेंगे, किस तरह से आपके मामला अच्छे तरीके से होंगे, वो सारी चीजें हम उन्हें गाइड करते हैं। तो जो गाइडेंस है ना, ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग होती है। इसका अंदाजा कहीं भी आप किसी भी मुल्क में जाओ, जैसे कि मैं सऊदी गया था कंपनी फॉर्मेशन के लिए, अभी जैसे मुझे दूसरी जगह में अभी रिसेंटली जहां से वापस आया हूं, जिस मुल्क से, उस मुल्क के अंदर मुझे ये चीजें करनी थी, तो गाइडेंस का बड़ा फुकदान था, गाइडेंस नहीं थी वहां पर। तो जहां पर 1 रुपया लगना होता है वहां पे एक तो उसकी जगह पे 3 लगते हैं और दूसरा है कि ख्वारी अलग होती है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको ख्वारी से बचाते हैं, उनको ख्वार नहीं होने देते, उनका काम विदाउट एनी स्वेट, बूंद के हम जो है पसीने की एक बूंद बहाए बिना हम उनका सारा काम भी करवाते हैं और उनको गाइड भी करते हैं प्रॉपरली। ये हमारी वैल्यू एडिशन है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमें चूज कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल सही बात बताएं तो फुर्सत ही नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब मालिक का करम है, जो कमिटमेंट करते हैं वो लोग हम लोग पूरी करते हैं। तो ये टाइमलाइन मैंने आपको बता दिया, पेपर्स मैंने आपको बता दिए। अब यहां पर आने के बाद आपने क्या करना है, अभी जो क्या कर रहे हैं भाई, यहां पे आते के बाद ये मेडिकल होता है फॉरन, एक और जो मेडिकल होता है पताका बनने से पहले जो रेजिडेंट कार्ड है वो मेडिकल होता है, मेडिकल होने के बाद आपका रेजिडेंट कार्ड बन जाता है, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट बन जाता है, बैंक अकाउंट बनने के बाद यू आर ऑल सेट, जो भी एक्टिविटी आपने करनी है उस निषाद के अगेंस्ट आप अपना रेंटल एग्रीमेंट करते हैं और उसके बाद रेंटल एग्रीमेंट के बाद जो है वो आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं, आपका लाइसेंस आ जाता है। लाइसेंस आने के बाद सपोज आपने एक दुकान खोलनी है, लेट से ग्रोसरी शॉप खोलनी है, आपने मतलब खोलना है, मतलब का लाइसेंस लिया आपने, लाइसेंस लेने के बाद आपने उसके अंदर सारी चीजें डालनी है, अपना जो भी किचन सारा सेटअप करना है, सिटिंग एरिया वगैरह सेटअप करना है, उसके बाद आपने अपने बोर्ड वगैरह लगवा के माजुनिया के लिए अप्लाई कर देना, आपको माजुनिया मिल जाते हैं, माजुनिया मिलते हैं तो नए लोगों को आप अपने पास इधर बुला लेते हैं, अपने मुल्क से जहां से भी आप, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं भी आप रहते हैं उनको आप बुलवाते हैं, बुलवाने के बाद आपकी जो है वो ऑपरेशनल हो जाती है आपकी सारी तरतीब अल्हम्दुलिल्लाह और आपका फंक्शन जो है वो अपना पूरा बिजनेस आपका फंक्शनल हो जाता है और आप भरपूर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सल्तनत ओमान में अपना कारोबार करते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी क्यूरी की थी, देखो जो ओमान है ना वो टोटली डिफरेंट है UAE से, वहां पे जनरल ट्रेडिंग का लाइसेंस होता है, दूसरी चीज अलग अलग, यहां पर एक कंपनी बनती है, उस एक कंपनी के अंडर आप सारे काम कर सकते हो, सब के सब काम, जो भी काम आपको करवाना है निषाद ऐड होती है,
और उसी निषाद का आप लाइसेंस लेते हो और पूरे ओमान के लिए वो वैलिड होता है। आपकी जो मतलब कंपनी है वो पूरे ओमान के लिए वैलिड होती है। जो निषाद आप लेते हो, जो आप प्रोसीजर वगैरह करवाते हो, जिस एक्टिव जो भी बिजनेस आपने एक्टिव करवाना उसकी आप अपनी एक्टिविटी का लाइसेंस लो और आप अपना काम करो, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वरना आपको हर चीज का अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है, अलग से उसके प्रोसीजर्स करवाने पड़ते हैं, जो कि बहुत कॉस्ट, बहुत ज्यादा कॉस्ट उसकी पड़ जाती है। तो मेरे भाइयों, इस सहूलत से फायदा उठाओ और इसको जरूर जरूर बनवाओ। अगर आप बाहर रहते हो, बहुत सारे हमारे क्लाइंट हैं सऊदी अरब के हैं, यूएई के हैं, वो अभी नहीं आ सकते, कोई मसला नहीं है। अभी आप अपनी कंपनी फॉर्मेशन करवाओ, क्योंकि ये अभी जो फीसेस कम हुई है ये सिर्फ अभी अभी के, पता नहीं कितने अरसे तक ये रहेंगी, नोबडी नोज अबाउट इट। क्योंकि यही सेम एलएलसी जो है पहले कई हजार रियाल की बनती थी, कई हजार रियाल देने पड़ते थे, फिजिकल अमाउंट जमा करानी पड़ती थी और उसके बाद फिर बड़े चक्कर होते थे। अब ये ऐसे बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इससे आप जरूर फायदा उठाओ और अपनी कंपनीज बनवा के छोड़ो। आपको साल के बाद यहाँ पे सेटल होना है, छह महीने बाद आपको यहाँ पे सेटल होना है। जब आपको सेटल होना है, 10 दिन के अंदर अंदर आपका वीजा, कंपनी बनी हुई होगी तो 10 दिन के अंदर अंदर आपका वीजा निकल जाएगा और इजी हो जाएगा आपके लिए काम। तो इस सहूलत से फायदा उठाओ, ओमान आओ, अपना कारोबार करो। टैक्स कम है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, लोग यहाँ के बहुत अच्छे, एवरीथिंग इज परफेक्ट हियर। दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन ओमान। ताल अभी भी ओमान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।